अभी अभी कह दिया बिहार के सबसे वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकार थे जी, अब मनीष कश्यप पत्रकार है नहीं। बेटे को अपनी माँ का कद्र नहीं, वो बेटा बेटा कहलाने लायक नहीं है। जिस मनीष कश्यप को सनो बिहार का आप लोगों ने दर्जा दिया था, हमने दर्जा दिया था, वही मनीष कश्यप इसी धरती पे आकर के कुछ रोज पहले यहीं पर उत्तर प्रदेश की धरती पर बिहार को बदनाम करने का गाल देने का कार्य किया है। मैं उनका विरोध करता हूँ। है कि डायन भी होती है ना, तो अपना एक दो घर छोड़ देती है फिर बाढ़ चलाती है। दोस्तों नमस्कार, देखिए अभी हम लोग अयोध्या के पावन धरती पर हैं, जहाँ पर कि साधु संतों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि रामलला का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत जाने माने पत्रकार हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आइए हम इनसे बात करते कि अयोध्या के धरती पर आके इनको कैसा लग रहा है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार है और अयोध्या की धरती तो पावन धरती रही है और साधु संतों की धरती रही है, और यहाँ पर आकर के सभी को अच्छा लग रहा है, पत्रकारों का ही क्या। और आप देख पा रहे होंगे कि साधु संत और पूरे बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश के तो है ही, दिल्ली से, बंगाल से, यानी कि पूरे देश से यहाँ के लोग आ रहे हैं और रामलला के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और बिहार के सबसे प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप भी यहाँ पर आ रहे हैं, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और बिहार के बारे में कुछ अशब्द बातें उन्होंने प्रयोग किया है। आपने अभी अभी कह दिया बिहार के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकार थे जी, अब मनीष कश्यप पत्रकार है नहीं। लेकिन वो तो मानते हैं कि पत्रकार हैं। हमने क्या किया, पत्रकार थे, एक समय था जब मनीष कश्यप को लोग सन ऑफ बिहार की उपाधि दिए थे ना जी जी, यानी बिहार का बेटा जी। तो जिस बेटे को अपनी माँ का कद्र नहीं, वो बेटा बेटा कहलाने लायक नहीं है। जिस मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार का आप लोगों ने दर्जा दिया था, हमने दर्जा दिया था, वही मनीष कश्यप इसी धरती पे आकर के कुछ रोज पहले यहीं पर रवि भट्ट के साथ में क्या बोल रहे थे कि यहाँ की जो सड़क है, अगर वैसी सड़क हो जाए बिहार में, तो हम YouTube पर वीडियो डालना छोड़ देंगे, YouTube वीडियो डालना छोड़ देंगे और अपने चैनल पर डिलीट कर देंगे। कोई भी व्यक्ति आज के वर्तमान समय में, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल पर हाथ रखे और बोले कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रही है, मैं YouTube पर वीडियो डालना छोड़ दूंगा और पत्रकार दर्ज करना छोड़ दूंगा, मनीष कश्यप का छोड़ेंगे। परंतु जिस तरह से उन्होंने द्वेष के भावना में आकर के उत्तर प्रदेश की धरती पर बिहार को बदनाम करने का गाल देने का कार्य किया है, मैं उनका विरोध करता हूँ और मैं उनको पत्रकार नहीं मानता हूँ। मैंने पीछे के वीडियो में गए होंगे तो आपने देखा होगा, हमने कहा था कि मनीष कश्यप यूट्यूबरों के लिए एक उदाहरण है, पत्रकारों के लिए उदाहरण है, लेकिन जिस तरह से इस धरती पर आकर उन्होंने बदनाम करने का काम किया है, उन नेताओं के लिए उदाहरण है और पत्रकारों के लिए उदाहरण नहीं है। क्या अभी तक कोई ऐसा पत्रकार हुआ था जो अपने जन्मभूमि को इस तरह बदनाम कर रहा? कोई नहीं। कहते हैं कि डायन भी होती है ना, तो अपना एक दो घर छोड़ देती है फिर बाढ़ चलाती है। आप धरती पर रहते हैं, जिस रोटी में थाली में खाते, रोटी खाते हैं, उस थाली को आप छेद करते हैं, उस बिहार की बात करते हैं। मानो था बिहार उस समय जब हमें अपने बिहारी होने का गर्व महसूस नहीं होता था, लेकिन वर्तमान समय में बिहार की जहां उदाहरण बन रहा है जनगणना को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सड़कों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और आज आप कह रहे हैं कि बिहार के नेता कामे नहीं कर रहे हैं, उनको सीखना हो तो यहाँ से सीखिए। अरे पत्रकारिता करते हैं तो सच्चाई से करिए, और किसी द्वेष के भावना में आकर के, किसी को बदनाम करने के भावना में आकर के मनीष कश्यप मत करिए। और अपन देखा भी आज जिस तरह से मनीष कश्यप आए हुए हैं जेल से छूट करके, पत्रकारिता कम और नेतागिरी ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे आदर्श रहे हैं और कई चैनलों पर मैंने उनको सपोर्ट किया है, पर जिस तरह से इन्होंने माइक छोड़ करके, एक छोटका वाला माइक देखे पकड़ना शुरू कर दिया है, इस पर लोगों नहीं है जी जी। तो कथनी और करनी में फर्क किया है मनीष कश्यप ने, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। हमने कहा भी था पीछे वीडियो में कि मनीष कश्यप आए हैं और फिर खबरें बनेंगी और हम लोग फिर देश को बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे, परंतु इन्होंने बदलने का काम नहीं कर रहे हैं, बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ। जब से जेल से बाहर निकले हैं केवल बिहार सरकार को ही टारगेट कर रहे हैं। देखिए द्वेष के भावना से कोई कभी किसी का भला नहीं हुआ, या हमारा या आपका। आप अगर इस सड़क में बुराई है तो दिखाने में परहेज नहीं है, हम दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उनका सड़क बनी है हमारा खराब है। अगर खराब है तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया, वहाँ पर आप जाइए ना, कीजिए ना कंप्लेन जी, हम थे वहाँ पे, ये थे, फल्ला था, चिल्ला था वहाँ पे, यानी कि एक अधिकारी के गाल पे अपन तमाचा नहीं मारा है, पूरे बिहार के अधिकारियों और बिहार के लोगों के गाल पे तमाचा मारा है। रवि भट्ट के साथ उन्होंने मिलकर बिहार के स्टेडियम पर, मोइनुल हक स्टेडियम पर भी कुछ बात किए थे।
कई मोइनी मोइन हक स्टूडियो का अभी जीर्णोद्धार हो रहा था, हो भी रहा है, और उनका वही होता है जिसमें काम लगा होता है खोद देते हैं और कहते हैं काम हो रहा है, जो हो नहीं रहा है। कई बार खबरें बनी है चल रहा है काम हो रहा है, हक स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो रहा है, परंतु उनका आदत है कि दूसरे राज्यों में जाना, बिहार को बदनाम करना, जिसकी घोर निंदा करते हैं। मनीष कश्यप थे, जब थे हमारे शान हुआ करते थे, यूट्यूबरों का आन बान शान हुआ करते थे, परंतु जब निकल के आए हैं तो देखे होंगे कि कुछ जो यूट्यूबर उनको खबरें बनाते थे उनके सपोर्ट में, उनका उन्होंने साथ छोड़ दिया है। मैं नाम नहीं बताऊँगा, और कुछ गिने चुने पत्रकारों के साथ अयोध्या काशी प्रयाग और पूरे बिहार और पूरे भारत का जो भ्रमण कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है, पत्रकार भ्रमण नहीं करते हैं, पत्रकार खबर बनाते हैं और भ्रमण नेता करते हैं, चूंकि उनको वोट लेना होता है। तो भ्रमण कौन कर रहा है और खबरें कौन बना रहा है, और आपको और हमको सोचने और समझने की जरूरत है। तो आप पूरी तरह उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पत्रकार नहीं नेता बन गए हैं। एकदम नेता बन गए हैं। अरे यही उत्तर प्रदेश की धरती थी, दो दिन पहले आए और गरज के कह रहे थे सड़कें ऐसी होगी बिहार में, तो अरे सड़कें चलिए ना जी, बिहार में नहीं सुधरी है सड़क। आपको आपके गांव में सड़कें बनी कि नहीं बनी है? बनी है। नलिया गलिया बनी कि नहीं बनी है? बनी है। शिक्षा सुधरा कि नहीं सुधरा है? जब रोजगार की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई है? शिक्षा नहीं सुधरा रहा था तो क्या यूपी से लोग जाते बिहार में? सच्चाई है, बताइए। अब नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है, नंबर वन पर रहा है, पूरा देश मॉडल देख रहा है, मोदी जी खुद तारीफ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार में कुछ है नहीं। तो आप अपना राजनीतिक जीवन करियर मनीष कश्यप आपको मुबारक हो, और ये माइक लेना छोड़ दीजिए, और जो छोटा वाला ले रहे बिना लोगों वाला माइक, ना उस पर सस्तक लिखा है ना मनीष कश्यप लिखा है, जो चैनल का नाम था वही, आपका मुबारक हो, और नेता वाला जिंदगी आपको सबसे बड़ा मुबारक हो। आप नेता बनिए, मंत्री बनिए, सांसद बनिए, परंतु ये जो पत्रकारों का जो आपने बदनाम करने का काम किया है, मैं और निंदा करता हूँ। और इससे यूट्यूबर आपने माइक थमाया था, जिसको आपको देख करके यूट्यूबर माइक थमाए थे, वो आज अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि मनीष कश्यप आज उसी YouTube चैनल से आज पत्रकारों को बदनाम करने का काम किया। तो क्या नेता बनने के लिए अपने मातृभूमि को गाली देकर ही वो आगे बढ़ेंगे? हाँ, कुछ करेंगे। अब तो उनको नेता बनना है, तेजस्वी और नीतीश को बर्बाद करने को अभी करते हैं, हमारे हाथ बर्बाद कर ही देंगे। तो जो बर्बाद करने का जो इरादा लेकर उतरेगा वो कपड़ा खोल के भी नाच देगा, बर्बाद करिए। पहले भी उन्होंने कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा। हाँ, सब कुछ करेंगे, उनकी मानसिकता है, वो सब करेंगे, सरकार गिराएंगे, सरकार बनाएंगे। हमने कहा ये पत्रकार नहीं नेता वाली भाषा है, और नेता वाली जिंदगी। मनीष कश्यप को मुबारक हो। चलिए दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें। आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।